साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त विक्रम कुमार। साथियों आज मैं लेके आया हूँ रियल एनालिसिस और साथियों लीनियर अलजेब्रा का एक कॉम्बो पैक। आप समझ लें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है साथियों उसको हम लोग टच कर रहे हैं और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाया जाए। साथियों हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में लर्न करा था काउंटेबिलिटी ऑफ द सेट्स और साथियों दूसरा हमारा था डायग्नलाइजिबिलिटी। तो डायग्नलाइजिबिलिटी में साथियों मैंने 3 से 4 रिजल्ट दिया था और मेरी कोशिश रहेगी साथियों कि आज मिनिमम 7 से 8 रिजल्ट देके डायग्नलाइजिबिलिटी को कंप्लीट किया जाए। काउंटेबिलिटी हो गया है साथियों, मैंने सिक्वेंस सीरीज का आधा पोर्शन और कह लीजिए कि मोस्टली मैंने बना दिया था। आज दोस्तों हम लोग सीरीज में कुछ रिजल्ट बेस्ड करके पढ़ते हैं जहां से सीएसआर नेट के साथ क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चंस आप देखेंगे, ट्रेंड देखेंगे तो यहां से क्वेश्चंस आए। तो साथियों पहले हम लोग थोड़ा सा इजी से समझ लेते हैं। देखिए सीक्वेंस तो आपको पता ही है ना, सीक्वेंस आपने लर्न कर रखा है। साथियों सीरीज के बारे में, सीरीज के बेस्ड करके कई सारे क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, 2B में 2C में साथियों। तो साथियों हम लोगों को बेसिकली क्या याद रखना होता है, जो ये हमारा साथियों सीरीज है इसका मतलब है फाइनाइट मीन्स क्या होता है साथियों, कन्वर्जेंट। इसको जरूर याद रखा जाए, समेशन का वैल्यू अगर साथियों फाइनाइट आ जाता है तो हमेशा हमेशा ये जो सीरीज है साथियों सम ऑफ द पार्शियल सम ऑफ द एआईज जिसको हम लोग समेशन लिखते हैं साथियों, ये क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट होता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है साथियों, फाइनाइट वैल्यू होना, फाइनाइट वैल्यू डज मीन्स कन्वर्जेंट। और यही अगर ऐसे रहता, अगर इसका वैल्यू अगर माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी आएगा तो साथियों इसके टर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट। ये बिल्कुल बेसिक्स बातें हैं। चलिए कुछ और भी थोड़ा सा पहले समझ लीजिए, व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी सीरीज टू बी कन्वर्जेंट। साथियों कोई सीरीज कन्वर्जेंट कब होगा इसको समझने के लिए आप बेसिक्स बातें आप जरूर याद रखें। और साथियों हम लोगों ने पहले ही मेरी कोशिश रहेगी थोड़ा साथियों उसको भी हम लोग रेशियो टेस्ट और रूट टेस्ट में समझा दूं, अदरवाइज हमने कर रखा है ऑलरेडी। मेरी कोशिश आज ये थी कि साथियों इसके बेस्ड करके जो क्वेश्चंस आते हैं रिजल्ट बेस्ड करके वो करवाया जाए। थोड़ा मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं इसके पीछे का जो लॉजिक है साथियों। अगर ये हमारा सीरीज है ये कन्वर्जेंट तब होगा इफ, जरूर याद रखा जाए, ये जो हमारा साथियों सिक्वेंस है एन मस्ट टेंड इन टू जीरो। पहली बात तो ये हमेशा याद रखा जाए कि साथियों ये जीरो को टेंड करेगा। सीधी बात है अगर साथियों जीरो को टेंड नहीं करेगा, ठीक है ना, जीरो को टेंड नहीं करेगा तो या तो ये इंक्रीजिंग होगा है ना या डिक्रीजिंग होगा है ना, ऐसा ही हो सकता है। तो साथियों इंक्रीजिंग होगा तो हो सकता है प्लस इन्फिनिटी चला जाए और डिक्रीजिंग होगा तो माइनस इन्फिनिटी चला जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो दोनों ही केस में साथियों ये डाइवर्जेंट कंडीशन होगा। तो इस बात को आप गांठ बांध लें इस चीज को। और फोर्थ और भी समझ लीजिए साथियों कि अगर हमारा जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज ना करे तो 110% गारंटी है साथियों ये कभी भी कन्वर्जेंट सीरीज नहीं देगा। सो इम्पोर्टेंट इज दिस वन, क्या याद रखना है बेसिकली कि इफ एनी सीरीज इज कन्वर्जेंट तो नेसेसरी कंडीशन है कि सीक्वेंस जो होगा साथियों हमेशा जीरो को टेंड करेगा, मतलब ये जीरो की तरफ कन्वर्जेंट होगा। इस बात को हमेशा याद रखा जाए साथियों, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक चीज था जो आपको डेफिनेटली याद रहना चाहिए। कुछ कुछ चीजों साथ है हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है, अदरवाइज मेरी कोशिश है कि उसको भी मैं लेके चलूंगा, जो पी टेस्ट है या फिर अलग अलग टेस्ट के साथ है उसको भी लेके चलेंगे। थोड़ा थोड़ा बात आप लोग समझते जाए, ज्यादा करके मेरी कोशिश है कि रिजल्ट बेस्ड करके मैं करवाऊं, ठीक है ना। साथियों ये देखिए एक सीरीज मैंने लिया है और ये क्या है, रियल सीक्वेंस है ना ये वाला चीज। तो ये साथियों सीरीज कन्वर्जेंट है और ये दूसरा भी हमने लिया कि ये भी कन्वर्जेंट है, ठीक। तो याद रखना है साथियों इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं एन प्लस माइनस बी एन, या तो दोनों का सम रहेगा साथियों, ठीक है ना, वो भी कन्वर्जेंट होगा, इसको जरूर याद रखें। और साथियों इसका जो डिफरेंस आएगा वो भी कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। कुछ बातें आप बहुत अच्छे से याद कर लें साथियों। 5th नंबर एक रिजल्ट लिख देता हूं, समेशन 1/n नेवर कन्वर्जेंट, ठीक है ना, इसको जरूर याद रखें साथियों कि ये कन्वर्जेंट कभी भी नहीं होगा, ठीक है। और 6th नंबर इसको भी जरूर याद रखिए, इसका जो कहां से आता है इसको बोलते हैं साथियों पी टेस्ट। ग्रेजुएशन में आपने बहुत अच्छे से लर्न किया होगा इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ पी इज ग्रेटर इक्वल्स टू पी इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, है ना।
पी साथ में पी का वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा तो कन्वर्जेंट होगा, अदरवाइज ये कन्वर्जेंट कभी भी नहीं होगा। इस बेस करके साथ में बहुत सारे हमने क्वेश्चंस करवाया है, ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा कि साथ में अगर पी का वैल्यू लेस और इक्वल टू 1 है तो ये हमेशा कभी भी साथियों ये वाला जो चीज है वो कन्वर्जेंट नहीं होगा। आपको अच्छी थी और कुछ भी लगा के आप साथ में टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक बातें आपको याद रखना है, रिजल्ट आपके मेमोरी में डेफिनेटली होना चाहिए क्योंकि आपको प्रूफ नहीं करना है पेपर में, ठीक है ना साथियों, आपको प्रूफ नहीं करना है, आपको रिजल्ट याद रखना है। यू हैव टू चेक वेदर द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट और नॉट, ठीक है। तो बेसिक बातें ये याद रखें आप लोग, और साथियों थोड़ा सा ये भी जान लें आप लोग कि साथियों ये जो अगर हमारा कोई सिक्वेंस दिया हुआ है, ये हमने सीरीज बना दिया, तो साथियों इसके हम लोग क्या याद रखते हैं कि ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, और साथियों सब कुछ इसका वैल्यू एल है। इस पे आपने ग्रेजुएशन में भी लर्न किया होगा, इफ एल इज एस्टिकली ग्रेटर देन 1, एल इज एस्टिकली लेस देन 1 एंड एल इक्वल्स टू 1। साथ में एल इज एस्टिकली लेस देन 1 पे ये क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है ना, कन्वर्जेंट इस पे, साथ में डाइवर्जेंट, और इस पे क्या होता है, टेस्ट फेल हो जाता है, ठीक है। सो आर यू गेटिंग दिस प्रॉपरली और नॉट, यस साथियों अच्छे से दिख रहे हैं तो ज्यादा घबराने की जरूरत है नहीं, ठीक है साथियों। इसको जरूर याद रखें, इस बात को रियली में काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगा, ठीक है ना। मैं सोच रहा था डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड में बताना स्टार्ट करूं, मुझे लगा कि शायद थोड़ा सा रिजल्ट भी आपके दिमाग में रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है साथियों। ये वाला जो मैंने 8th नंबर बताया इसको डेफिनेटली याद रखें, और अच्छी एक चीज मैंने नहीं लगाया तो आप लिख लें, लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये वाला चीज। और साथ में इसको जरूर याद रखें कि ए एन जो होता है हमेशा रियल सिक्वेंस होता है, क्या होता है, रियल सिक्वेंस, ठीक है। क्या याद रखना है, इफ एल इज एस्टिकली ग्रेटर देन 1 देन दिस सीरीज नेवर बी कन्वर्जेंट, दिस शुड बी डाइवर्जेंट, इफ एल इज एस्टिकली लेस देन 1 तो कन्वर्जेंट होगा साथियों, और एल इक्वल्स टू 1 पे टेस्ट फेल हो जाता है, ठीक है। ये बातें आपको याद रह जाएंगे, 8th नंबर है साथियों। कुछ और भी लिख लें आप लोग रिजल्ट, ये साथियों ये क्या है, इसका नाम है रेशियो टेस्ट, क्या बोलते हैं साथियों, रेशियो टेस्ट। 9th नंबर देखें, एक रूट टेस्ट, रूट टेस्ट ये क्या बोलता है साथियों कि लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी एन, साथियों अगर इसका जो वैल्यू है लिम सुप्रीमम भी लगाते हैं क्या इसमें, ठीक है साथियों, अगर ये हमारे पास एल हो जाए, ठीक है ना, और ये क्या है हमारे साथियों, एन क्या है हमारे पास, पॉजिटिव एंड रियल सीक्वेंस, ठीक है ना, एन शुड बी पॉजिटिव एंड रियल सीक्वेंस, ठीक है, ऐसा होगा, और यही तीनों कंडीशंस लगाएंगे हम लोग, इफ एल इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1 तो ये क्या होगा, कन्वर्जेंट, इफ एल इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 साथ में ये क्या बनेगा हमारा, डाइवर्जेंट, और एल इक्वल्स टू 1 पे टेस्ट फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, ये बिल्कुल ही निचोड़ आपको बताया जा रहा है, ठीक है, जिस रिजल्ट को यूज करके हम लोग क्वेश्चन टैकल करेंगे, ठीक है। तो ये 9th रिजल्ट, 9 नंबर का जो रिजल्ट है ये दोनों साथियों को डेफिनेटली याद रखिए। चलिए साथियों इसके थ्रू कुछ और भी समझ लीजिए, जब पढ़ ही रहे तो थोड़ा अच्छे से ही पढ़ लिया जाए, ठीक है। देखिए मिटाने वाला हम कहाँ रख दिए, तो साथियों चलो चलिए कुछ और भी रिजल्ट्स हम लोग लर्न करते हैं। 9 तक हुआ साथियों, रिजल्ट नंबर 10 है साथियों। ये क्या है कि ये जो हमारा सीरीज है अगर फाइनाइट होता है, फाइनाइट डज मींस कन्वर्जेंट है ना, इसको जरूर याद रखिएगा, ए जो है साथियों क्या है, रियल पॉजिटिव सीक्वेंस या सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल बोल सकते हैं साथियों। ये अगर हमारे पास कन्वर्जेंट होता है इसको जरूर याद रखिए, इफ एंड ओनली इफ लिखा हुआ है साथियों। ये जो मैंने लिखा है 2 to the power n, और यहाँ का जो n है n मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय 2 to the power n, अगर साथियों इसको रिप्लेस कर देते हैं 2 to the power n से, कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट आपको दिखता नहीं है कि कन्वर्जेंट है कि नहीं सीरीज, तो साथियों इसके जगह पे अगर ये हम रिप्लेस करते हैं 2 to the power n और n के जगह पे 2 to the power n और चेक करते हैं, अगर ये कन्वर्जेंट हो जाएगा तो ये भी कन्वर्जेंट हो, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन अभी आएंगे जो आपको रियली में डायरेक्ट भी आपको पता लग जाएगा कि इज इट कन्वर्जेंट और नॉट। साथ ही ये देखिए लॉगरिथमिक टेस्ट कई बार आ रखा है तो इसको लिए जल्दी जरूर याद रखें, ये साथ में बिल्कुल एग्जैक्टली पी टेस्ट के जैसे याद रखना है दोनों को, कि पी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट होगा अदरवाइज नहीं होगा। ये देखिए साथ ही इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें इफ एंड ओनली इफ कंडीशन लिखा हुआ है ना, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है ना, कैरेक्टराइजेशन है साथ में, इसलिए ये तीनों जो है
ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखें आप लोग, ठीक है ये वाला। चलिए 13 नंबर साथियों, लेबनीज टेस्ट क्या बोलता है। ये साथियों प्रीवियस लेक्चर में एक मैंने सीक्वेंस सीरीज, अगर आप लोग हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो साथियों प्लेलिस्ट में जाके आप लोग रियल एनालिसिस में ये देखिएगा, सीक्वेंस सीरीज में बहुत डिटेल्स में साथियों एक एक साथियों थ्योरम को लेके उसके सारे पे क्वेश्चंस कराया गया है। तो साथियों अगर आपके पास टाइम है तो आप विजिट करके जरूर देखें उसको, ठीक है। तो मेरी कोशिश यह है कि साथियों कि अब 2 महीने का टाइम है तो साथियों एक फाइनल टच और एक एक साथियों इम्पोर्टेंट चीज को मैं आपके सामने रखूं और उसके बेस पे जो क्वेश्चंस आया है वो करवा पाऊं तो शायद ये मच बेटर होगा। अदरवाइज साथियों अगर एक एक हम लोग पॉइंट्स को लेके चलेंगे हर एक सब्जेक्ट का तो पता चलेगा ये एक साल में भी कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए मेरी ये कोशिश है। साथियों लेबनीज टेस्ट है क्या याद रखना, बेसिकली जो सीक्वेंस होगा साथियों मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए। क्या है MS stands for monotonically decreasing sequence। और याद रखना साथियों लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी ऑफ दिस रियल सीक्वेंस अगर जीरो हो जाए, ये क्या ये हमेशा देखिए AN के बारे में हमेशा यही याद रखिएगा। AN क्या है साथियों पॉजिटिव रियल सीक्वेंस है, ये हमेशा ही लेके चलेंगे, पॉजिटिव बोलना नहीं है रियल सीक्वेंस है। अगर ये 2 कंडीशन को होल्ड करता है तो साथियों ये जो हमारा ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, क्या है ऑल्टरनेटिंग सीरीज साथियों ये हमेशा कन्वर्जेंट होगा, अदरवाइज ये कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होगा। अभी आप देखेंगे इस क्वेश्चन को साथियों, ये जो चीज है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तो साथियों आते ही रहता है क्वेश्चन। अगर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन की बातें करें तो इसको जरूर याद रखिएगा, मोड ऑफ एन प्लस वन माइनस एन अगर ये कन्वर्जेंट हो जाता है, आपको थोड़ा बहुत लग रहा होगा कोचिंग क्राइटेरिया है ना साथियों, अगर ये कन्वर्जेंट होगा तो जरूर याद रखिएगा ये वाला जो है हमारे पास सीरीज हमेशा कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है साथियों ये रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से दिमाग में चला गया होगा, मुझे नहीं लग रहा यहाँ तक आपको समझने में कुछ भी प्रॉब्लम होगा। चलिए कुछ कुछ चीज हम लोग लर्न करते हैं यहाँ से साथियों, कितना रिजल्ट हो गया, आई थिंक 14 रिजल्ट हो गया, 14 हो गया साथियों, चलिए 14 रिजल्ट हो गया है, और भी आएगा अभी साथियों, अभी और भी देखें थोड़ा सा आप लोग समझते जाए। साथियों ये देखिए दोनों क्या हमारे पास सीरीज कन्वर्जेंट है, तो ये बोलता है इसका जो सम ले या डिफरेंस ले वो भी कन्वर्जेंट होगा, इसको जरूर याद रखें, कुछ भी लेके आप लोग टेस्ट कर सकते हैं जो भी लेने का मन है। साथियों ये हमारे पास क्या है कन्वर्जेंट, एक और ले लीजिए ये भी साथियों क्या हमारे पास कन्वर्जेंट, इसका जब समेशन करेंगे ठीक है ना तो 2 बाय n² ये हो जाएगा तो ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, है ना, इस चीज को जरूर याद रखिएगा आप लोग। ठीक है साथियों इसको जरूर याद रखें आप लोग, और यहां से देखिए सेकेंड नंबर कहते हैं दोस्तों साथियों हमारे पास दोनों क्या है कन्वर्जेंट है, लेकिन साथियों प्लस में हमको समेशन में लीनियर कॉम्बिनेशन कुछ भी बनाएंगे तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहां होगा प्रोडक्ट वाले में। कहते हैं दोनों साथियों अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसका प्रोडक्ट नीड नॉट टू बी कन्वर्जेंट, ठीक है इन जनरल लिखा गया है, क्या लिखा गया है इन जनरल, कोई जरूरी नहीं है कि कन्वर्जेंट होगा, तो कहां नहीं होगा इसको हम लोग देखते हैं साथियों। तो साथियों इसमें बेसिक बातें याद रखना है, एन बी एन के बारे में कुछ नहीं बोला गया है साथियों, ये जो दोनों कन्वर्जेंट हो तो प्रोडक्ट भी कन्वर्जेंट होगा, कब होगा इफ साथियों जो हमारा सिक्वेंस एन है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए एंड बी एन सिक्वेंस बोथ आर पॉजिटिव, बोथ साथियों पॉजिटिव होगा तो ये रूल होल्ड करेगा प्रोडक्ट के टर्म में, अदरवाइज कभी भी होल्ड नहीं करेगा। और साथियों एक चीज जरूर याद रखें कि अर्थमैटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल्स टू जियोमेट्रिक मीन एंड ग्रेटर इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन, क्योंकि साथियों इस टाइप के क्वेश्चन में कई जगह पे ये अप्लीकेबल होने वाला है, ठीक है ना, ये बिल्कुल इजी वाला चीज है, आपने 12th स्टैंडर्ड पे लर्न कर रखा होगा, इसका हम लोग यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बेसिकली देखिए, अर्थमेटिक मीन क्या होता है ये होता है और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है साथियों बी एन, तो ये वाला चीज जो साथियों हम लोग कई जगह पे इसको यूज करेंगे, ठीक है ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके। चलिए इसको थोड़ा समझना है तो समझ लीजिए साथियों, सपोज मान लीजिए कि ये हमारे पास ये क्या है हमारे पास 1 बाय n, ये तो कन्वर्जेंट नहीं है बाय पी टेस्ट, लेकिन साथियों ये हमारा कन्वर्जेंट है, ये क्या है बाय पी टेस्ट, बाय पी टेस्ट नॉट कन्वर्जेंट, और ये है बाय ऑल्टरनेटिंग बाय लेबनीज, लेबनीज टेस्ट क्या है साथियों ये कन्वर्जेंट है, क्या है
क्योंकि साथियों ऑल्टरनेटिंग सीरीज है और ये क्या है, ए सीक्वेंस, एन क्या है, एन क्या है साथियों, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और ये टेंडिंग टू जीरो है और ऑल्टरनेट है, इसलिए ये साथियों बाय लेबनीज टेस्ट ये कन्वर्जेंट है लेकिन ये कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। अब जैसे साथियों ये वाला जो बोला गया पॉजिटिव, पॉजिटिव तो हमने लिया नहीं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा लिख दिया है ना, ये तो कन्वर्जेंट है और एक और ले लीजिए, ये भी मैंने लिखा कि ये भी कन्वर्जेंट है ना, लेकिन इसका जो साथियों आप प्रोडक्ट करेंगे तो ये आपको ये बन जाएगा, बट ये कन्वर्जेंट नहीं है, है ना। इसलिए बोला गया है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है साथियों, ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ए एन बी एन कन्वर्जेंट हो ऑलवेज जरूरी नहीं है, क्या है साथियों, ऑलवेज कन्वर्जेंट जरूरी नहीं है। तो क्या केस स्टडी ऐसा है जब ऑलवेज कन्वर्जेंट हो, क्योंकि ये साथियों क्या है, ये पॉजिटिव सीक्वेंस नहीं है, ये पॉजिटिव सीक्वेंस साथियों नहीं है, नेगेटिव है ना। तो ये केस आपको याद रखना है कि साथियों अगर बोथ आर पॉजिटिव रियल सीक्वेंस होगा तो इसका प्रोडक्ट है ना, ये वाला जो रहेगा साथियों सीक्वेंस जो बनेगा, सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्ट्स है ना ऑफ टू डिफरेंट सीक्वेंसेस, सो इसका जो पार्शियल सम या जो सीरीज बनाएगा साथियों वो कन्वर्ज करेगा, कब, जब बोथ आर पॉजिटिव रियल सीक्वेंस, इसको जरूर याद रखिए आप लोग। इस बेस पे ही साथियों कई क्वेश्चंस आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड साथियों 4.75 में ऐसे ही आ रखा है, और साथियों इसको जरूर याद रखिए, ये वाला भी चीज जो लिखा गया है इसके पीछे का भी लॉजिक वही है, ठीक है ना, कि ए एन मस्ट बी पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव नहीं रहेगा तो के का वैल्यू 2 रख दीजिएगा तो ऊपर वाला ही केस बन जाएगा, ठीक है। तो साथ में इसको जरूर याद रखिए, ठीक है। साथियों ये कुछ और भी रिजल्ट्स मैंने लिया है, साथियों ये जो है ना अगर आप पिछले का ट्रेंड देखेंगे तो साथियों इस बेस पे हमेशा ही क्वेश्चंस आ रखे हैं, ठीक है ना, आप देखेंगे कि ये सारे रिजल्ट्स का यूज किया गया है, तो साथियों मैं भी रिजल्ट पुट अप करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, साथियों आपके साथ क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा। साथियों रिजल्ट नंबर 16 है कि अगर ये हमारा कन्वर्जेंट है और ये भी कन्वर्जेंट है साथियों, तो इस टाइप का जो प्रोडक्ट रहेगा उसका अगर हम लोग क्या करेंगे साथियों स्क्वायर रूट लगाएंगे, एक्चुअली ये वही लिखा जा रहा है, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन वाला टर्म्स चल रहा है साथियों, इसको जरूर याद रखिएगा, ऑलवेज कन्वर्जेंट होगा लेकिन इसके लिए एक कंडीशन जरूर याद रखिएगा, बोथ शुड बी पॉजिटिव। साथियों स्क्वायर है पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है साथियों, इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव सॉरी कन्वर्जेंट होगा इस कंडीशन के साथ, मतलब दोनों सेम ही है इस कंडीशन के साथ ही आपको रखना है, दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं, आप यूज करेंगे तो पता चलेगा ए एम जी एम का डायरेक्ट यूज हो रहा है, ठीक है। साथियों ये देखिए अगर ये हमारा कन्वर्जेंट है इसका मॉडुलस भी कन्वर्जेंट है, ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्या क्या कहलाता है साथियों, सीक्वेंस हमारा यहाँ पे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज कहलाता है, और साथियों अगर हमारे पास ये तो सीरीज कन्वर्जेंट हो लेकिन मॉडुलस के साथ अगर कन्वर्जेंट नहीं होता है तो इसका एक अलग नाम है कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज, क्या बोलेंगे साथियों, कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज, और साथियों इसको जरूर याद रखिएगा, एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज एग्जैक्टली द कन्वर्जेंट, है ना, मतलब अब सारे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज भी कन्वर्जेंट। साथियों कुछ दो रिजल्ट्स रह गया था, मुझे लगा कि शायद इसको भी बता देना अच्छा रहेगा, और साथियों इसको जरूर याद रखिए, ए एन बी एन क्या है पॉजिटिव, ए एन बी एन जो होगा साथियों ये क्या है पॉजिटिव रियल सीक्वेंस रहेगा, मतलब इसके जो टर्म्स रहेंगे साथियों सब पॉजिटिव टर्म्स रहेगा ना, ए एन इसको तो हमेशा ही याद रखिए, बिना इसके तो काम चले गएंगे, ठीक है। तो साथियों अगर कुछ हमारे पास ऐसा सीक्वेंस है ए एन और बी एन टाइप का रहेगा साथियों तो क्या याद रखना है, यहां से इस चीज को पकड़ लेना है साथियों, इसका जो साथियों सीरीज का जो ये जो सम आया साथियों इसका पार्शियल सम क्या है साथियों, ये कन्वर्जेंट होगा तो याद रखना ये भी कन्वर्जेंट, मतलब साथियों ये पास होगा तो ये भी पास होगा, है ना, कन्वर्जेंट, इसको पी इम्प्लाइज क्यू कह सकते हैं, और दूसरा रूल चलता है साथियों पी इम्प्लाइज क्यू, अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, तो आपको पता है निगेशन ऑफ क्यू ऑलवेज इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी, मतलब अगर ये कन्वर्जेंट नहीं है तो ये भी कन्वर्जेंट नहीं होगा, है ना, P implies Q, negation of P implies negation of P, तो यही लिखा गया, तो एक चीज सिर्फ एक याद रह जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये याद रह जाएगा, बिल्कुल इसको ऐसे याद रखिए साथियों, इसका वैल्यू जीरो आएगा कब, तो जब अगर आ जाता है साथियों इसका वैल्यू जीरो आ जाता है तो याद रखिएगा, ये नीचे में लगाना है आपको साथियों, इसको चेक करना है यदि ये कन्वर्जेंट होगा तो ऊपर वाला भी कन्वर्जेंट होगा, ठीक है, और साथियों इसी का निगेशन कर दीजिए, ये अगर डाइवर्जेंट होगा तो ये भी डाइवर्जेंट, ठीक है, कुछ नहीं है सिर्फ इसका कमाल है ये लॉजिकली, है ना,
इसका कमाल। तो साथियों आपने देखा ये जो 22 रिजल्ट्स है सीक्वेंस एंड सीरीज में जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेरी कोशिश रहेगी कि इसके बेस पे साथियों नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा जिसमें हम लोग क्वेश्चंस करेंगे साथियों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। अब ये देखिए दूसरा पॉइंट्स में लिया हूं डायगोनलाइजेबल, ठीक है ना, ये हमारा क्या है लीनियर अलजेब्रा का साथियों। साथियों पिछले लेक्चर में हमने लर्न करा था तीन प्रॉपर्टीज, थोड़ा सा इसको और भी मैं एक्सटेंड करता हूँ साथियों, 24 25 तीन लिख देता हूँ। और एक चीज याद रखिएगा साथियों कि अगर हमारे पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आ जाता है किसी मैट्रिक्स का, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, तो ये हमेशा हमेशा साथियों जो मैट्रिक्स होगा वो डायगोनलाइजेबल होगा ओवर चाहे जो भी फील्ड रहेगा, है ना, चाहे आर है सी है या क्यू जो भी रहेगा उस पर हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज का मतलब क्या होता है, तो अगर इसको समझना है तो साथियों डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज का मतलब है कि सारे आइगन वैल्यूज की जो मल्टीप्लिसिटी होगी लैम्डा ये वन होगा फॉर ऑल आई। और आपको पता है एक रूल मैंने लिखा था साथियों, इफ अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एनी आइगन वैल्यूज वन इंप्लाइज ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ दैट आइगन वैल्यू शुड बी वन। तो यहां से क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑल आइगन वैल्यू ऑल्सो शुड बी वन फॉर ऑल आई, है ना। तो ये जो हमने प्रॉपर्टी साथियों लिखवाया था कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यूज इफ ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यूज फॉर ऑल आई अगर सिमिलर होता है, इफ एंड ओनली इफ ये रूल चलता है मैट्रिक्स मस्ट बी डायगोनलाइजेबल, क्या होगा साथियों डायगोनलाइजेबल होगा ओवर द गिवन फील्ड जो भी फील्ड रहेगा उसके ऊपर। तो साथियों ये जो प्रॉपर्टी है ना ये वाला चीज इसको आप 25 कह सकते हैं 25 साथियों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये अगर आपके पास याद रह जाएगा तो सारा बन जाएगा, ठीक है। मैंने कल बातें करा था अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, एनी पर्टिकुलर आइगन वैल्यूज हाउ मेनी टाइम्स अ पर्टिकुलर आइगन वैल्यूज अकर्स इज एग्जैक्टली नोन एज अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है किसी आइगन वैल्यू का। तो साथियों ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी किसी आइगन वैल्यूज का क्या होता है, एग्जैक्टली नलिटी होता है, नलिटी ऑफ दैट आइगन वैल्यू, जिसको हम लोग कैसे निकालते हैं सॉल्यूशन स्पेस के थ्रू निकालते हैं साथियों, आप ऐसा कह सकते हैं, है ना, इसका हम लोग नल स्पेस निकालना चाहते हैं, मतलब डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस या कॉलम स्पेस माइनस रैंक ऑफ इमेंस लैम्डा है ना, जो हमारा नलिटी होता है। इसी का एक दूसरा नाम आप दे सकते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन स्पेस आप कह सकते हैं, है ना। तो ये ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होता है, और साथ में जब जॉर्डन में जाएगी तो नंबर ऑफ जॉर्डन कैनोनिकल ब्लॉक हो जाता है, नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स, ठीक है साथियों। तो ये आ गया और 24 हुआ, 25 कुछ और भी रिजल्ट्स लिख देता हूं मैं साथियों। अगर सपोज मान लीजिए कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और गिवन फील्ड के ऊपर डायगोनलाइजेबिलिटी पूछ रहा है लेकिन उसके ऊपर आइगन वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करता है, तो साथियों अगर आइगन वैल्यूज ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो याद रखिएगा अगर आइगन वैल्यूज हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब है मैट्रिक्स कभी भी डायगोनलाइजेबल नहीं होगा ओवर द गिवन फील्ड, ठीक है, ओवर द गिवन फील्ड जो भी रहेगा हमारे पास गिवन फील्ड। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे हमने लिख दिया 0, -1 और 1, है ना, और इसने पूछा कि बताइए फील्ड आर पे ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है कि नहीं। साथियों जब इसका मैट्रिक्स का आप लोग निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये बनेगा प्लस माइनस आई होता, ये रियल के ऊपर फील्ड के ऊपर तो जा ही नहीं रहा, है ना, मतलब इस फील्ड के ऊपर में डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है, इसमें कोई दुरा नहीं। आप डायरेक्ट ये मत बोल दीजिएगा डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है, तो साथियों ये जो प्रॉपर्टी आपने फर्स्ट लिखाया था डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज इंप्लाइज डायगोनलाइजेबिलिटी, लेकिन आपको ये चेक करना है कि फील्ड जो बेस फील्ड या फील्ड दिया हुआ है उसके ऊपर भी तो डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो फील्ड साथियों यहाँ पे आर है तो आर पे ये डायगोनलाइजेबल नहीं होगा, आर पे साथियों आर पे ये डायगोनलाइजेबल नहीं होगा लेकिन ये बिलोंग करता है सी को, है ना, कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर साथियों ये डायगोनलाइजेबल हो जाएगा लेकिन रियल के ऊपर ये कभी भी डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। तो बेसिक बातें ये हो गई, ठीक है साथियों। नेक्स्ट लेक्चर में मैं और भी कुछ मजेदार ट्रिक्स एंड टेक्निक्स लेके आऊंगा। आज का साथियों कैसा लगा लेक्चर जरूर बताइएगा, अपना कमेंट्स रखिएगा साथियों, और बताइएगा साथियों कि नेक्स्ट लेक्चर में किसका लेके आऊं, और मेरी कोशिश अदरवाइज मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा प्रीवियस ईयर के, ठीक है साथियों। तो एंजॉय करें और मन से पढ़ें और जिंदगी के प्रति हमेशा आशावान रहें और हमेशा अपना व्यक्तित्व ऐसे निखारे साथियों कि जरूर आपसे जो दूसरे जने हैं वो लाभान्वित हो और आपको देखने के बाद जरूर उनके मन में फीलिंग जगे कि है ना
कि हम किसी बहुत अच्छे जने को फॉलो कर रहे हैं। साथियों इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपने क्लास को एंड करता हूँ, मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए बहुत अच्छे से मेहनत करें और हमेशा हमेशा साथियों जिंदगी के प्रति बहुत ही आशावान रहें और अपने अंदर हमेशा साथियों ऊर्जा बना के रखें। चलिए साथियों मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।